पिछले कुछ दिनों के अंदर ऑनलाइन ऑर्डर से मंगाए गए सामान के साथ जिस तरह से अजीबोगरीब चीजें निकल रही है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के अलग अलग राज्यों से चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जो ई कॉमर्स कंपनियों और फूड डिलीवरी ऐप के दावों की पोल खोल रहे हैं। ऑनलाइन डिलीवरी बॉक्स में जिंदा सांप, मरा हुआ चूहा, मेंढक निकलना हैरान कर देने वाला है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन ऑर्डर या खाना मंगवाते समय किस तरह की सावधानी रखें, ऑर्डर करने के बाद क्या करना चाहिए, गलत सामान की डिलीवरी होने पर क्या करें, और ऐसे मामलों की शिकायत कहां और कैसे करें। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि हाल ही में कहां कहां इस तरह के केस हुए हैं। बेंगलुरु के एक कपल के ऑनलाइन ऑर्डर में सामान में जिंदा कोबरा सांप निकला। ये सामान अमेजोन से मंगाया गया था। मामला रविवार 16 जून का बताया जा रहा है। गनीमत रही कि सांप पैकेजिंग टेप के में फंसा हुआ था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो अमेजोन के कस्टमर सर्विस ने उन्हें 2 घंटे तक इससे खुद ही निपटने को कहा। गुजरात के जामनगर में आलू के चिप्स में कथित तौर पर मरा हुआ मेंढक पाया गया। शिकायत के बाद नगर निगम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। नगर निगम के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए जांच के लिए चिप्स पैकेट के प्रोडक्शन बैच के सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बालाजी वेफर्स के पैकेट में मरा हुआ मेंढक निकला था। मुंबई के रहने वाले एक शख्स ने ऑनलाइन आइसक्रीम मंगवाई, जिसमें कथित तौर पर इंसान की उंगली का टुकड़ा मिलने का दावा किया गया है। मामला मलाड इलाके का बताया जा रहा है। इस घटना की भी जांच चल रही है। अब ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जान लेते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर आने के बाद चेक करें कि आपने जो सामान मंगवाया है वो डिलीवर हुआ है या नहीं। अगर ऑर्डर में कुछ कम है या कुछ गलत सामान आया है तो कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हर कंपनी का कस्टमर केयर नंबर अलग अलग होता है। इसके अलावा कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखें, जैसे डिलीवरी बॉय से ऑर्डर लेने से पहले खोलने तक का पूरा वीडियो बना लें, कस्टमर केयर से बात करें। अगर कंपनी गलत सामान डिलीवर करने की बात से इनकार कर रही है तो सोशल मीडिया की मदद ले सकते हैं। कोई भी सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते समय कैश ऑन डिलीवरी ही रखें। कोशिश करें कि डिलीवरी बॉय से सामान चेक करने के बाद ही लें। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके साथ ऑनलाइन डिलीवरी के वक्त स्कैम नहीं होगा। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।